नेक्स्ट में रिसोर्स प्लानिंग है हमारा। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। देखो अगर हमें हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की, और किसी किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बहुतायत में है तो किसी रीजन में बिल्कुल भी नहीं है। देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड देर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, जैसे कि स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वे क्या है, मिनरल्स रिच स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारा कोयला डिपॉजिट मिलता है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वाटर के रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। राजस्थान स्टेट में देखेंगे तो सोलर और विंड पावर को अगर हम कल्टीवेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, लेकिन वहाँ पे पानी की स्क्रेसिटी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारा लद्दाख है वो ठंडा एरिया है और वो हमारे देश के बाकी हिस्सों से आइसोलेट है, ठीक है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट डिफिशियंट इन वाटर। वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है बट वहाँ पे पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, दिस कॉल फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसे ही हम प्लानिंग करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो हम इंडिया में अपने रिसोर्स को कैसे प्लान करेंगे? रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे कि कौन कौन से रिसोर्स हैं और कौन कौन सी जगह पे हमारे देश में हैं। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वान्टिटी और उसके मेजरमेंट का सबका पता लगाते हैं। दूसरे में क्या करता है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हम एक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, स्किल यूज़ करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ताकि वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरे में क्या करते हैं, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको हम हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बारे में ही सोचेंगे, हम पूरे इंडिया के बारे में सोच के चलेंगे। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट। भारत ने क्या है, पहले से ही ऐसा प्लान किया है, 5-year plan लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे हमने देखा था कि 5-year plan हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही आ गए थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ कोरेस्पोंडिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट में हिंडर डेवलपमेंट। देखो रिसोर्स होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रिसोर्स हो लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारे जो डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करती है। देर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट देर आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं बट वे अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। On the country there are some region which have a poor resources but they are economically developed. लेकिन वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे regions भी हैं जहाँ पे resources तो कम हैं लेकिन वे बहुत ही developed हैं। Can you name some resources rich but economically backward region and some poor? मतलब यही आपको एक estimate बनाना है और उसका देना है, उसका region भी आपको देना है। The history of colonization reveals that
rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. जो हमारी इतिहास है कॉलोनिज्म का, वो हमें बताता है कि सिर्फ जो इन्वेडर्स आए वे हमारे रिसोर्सेज को लेने के लिए ही आए थे. इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज. तो उन्होंने क्या किया, अपने कॉलोनीज में से रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया और वहाँ पे अपनी पकड़ यानी कि सुप्रीमेसी बनाई. देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज. इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट चेंज और इंस्टीट्यूशनल साथ मिलके ही और टेक्नोलॉजी को साथ मिलके ही हम उनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन. भारत ने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है कॉलोनाइजेशन के टाइम पे. देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, अभी हम देखते हैं हम अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. जो हमारे रिसोर्स होते हैं वे किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं. बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. अगर हम किसी रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे या ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो वो हमारे एनवायरमेंटल के लिए और सोशियो इकोनॉमिक के लिए घातक होता है. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट. इन प्रॉब्लम से उभरने के लिए हमें अपने रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल गांधी, यही चीज़ें गांधी जी ने भी पहले हमें बताई हैं. देर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. गांधी जी ने एक कोट लिखा था, देर इज एनफ फॉर एवरीबडी, यानी कि पृथ्वी के पास इतना है कि वो सबके नीड को पूरा कर सके लेकिन वो किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता. ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोटेशन नेचर ऑफ डिफरेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज. मतलब गांधी जी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि मास प्रोडक्शन को बंद करो बल्कि प्रोडक्शन करो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता इन्वॉल्व होनी चाहिए. एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968. तो क्या हुआ था कि जो क्लब ऑफ रोम थी उसने शायद 1968 में ही भी जो कंजर्वेशन था रिसोर्सेज का उसको सपोर्ट किया. 74 में गांधी फिलोसफी आई अगेन, है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उन्होंने एक बुक लिखी. ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे चीज़ों को रिसोर्सों को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए. अभी होता है हमारा लैंड रिसोर्स, यानी कि ज़मीन एक रिसोर्स की तरह है जब हम यूज़ करते हैं इस